दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से आज भी पूछताछ करेगी ईडी। बीआरएस नेता के कविता के सामने हो सकता है सवाल जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को लगा झटका, उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई से किया इनकार। 24 मार्च तक सुनवाई की मांग की गई थी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका, अपनी गिरफ्तारी को और रिमांड को बताया था अवैध। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज भी बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में होगा पुतला दहन। बीजेपी भी आज आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार की होलिका जलाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले पंजाब के सीएम मान, केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं सोच है, उन पर कार्रवाई राजनीतिक है। केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, जेल में ही कैबिनेट की बैठकें होंगी, सीएम मान का बयान। सीएम भगवंत मान ने जताई उम्मीद, कहा कि केजरीवाल जोश के साथ बाहर आएंगे। सिसोदिया और संजय सिंह के यहां चवन्नी नहीं मिली। सीएम मान ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। सीएम मान का बीजेपी पर आरोप, संविधान बदलना चाहती है बीजेपी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरह तानाशाही कर रही है। अतिशी को रोकने पर दिल्ली पुलिस की सफाई, धारा 144 लगी है, आप नेता कर रहे हैं धारा का उल्लंघन। दिल्ली पुलिस और अतिशी के बीच तीखी बहस हुई, बाराखंबा के एसएचओ से बहस का वीडियो भी सामने आया। दिल्ली पुलिस का बयान, आम आदमी पार्टी का कोई दफ्तर सील नहीं है। सुनीता केजरीवाल से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सवाल, उस वक्त आप कहां थी जब केजरीवाल ने बार बार वादों को तोड़ा। केजरीवाल की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई का परिणाम है, दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा का बयान। केजरीवाल खुद को ईमानदार कहते हैं, इसलिए सबसे पहले पद से इस्तीफा दें, कांग्रेस नेता संजय निरुपम की मांग। केजरीवाल का सीएम पद से इस्तीफा नहीं देना लोकतंत्र के लिए चिंता की बात, जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। सीएम केजरीवाल के परिजन से मिले सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश। बीजेपी आज जारी कर सकती है पांचवी लिस्ट, यूपी सहित के राज्यों में उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान। शनिवार को बीजेपी की केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई, पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक यूपी की 10 और सीटों पर उम्मीदवार तय, वरुण गांधी, संघमित्रा मौर्य और वीके सिंह का टिकट कट सकता है, मेनका गांधी को सुल्तानपुर से रिपीट करने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, पुरी से संबित पात्रा और भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी को मिल सकता है टिकट। दो सिटिंग सांसदों विश्वेश्वर टड्डू और प्रताप सारंगी का टिकट कट सकता है। बीजेपी सीईसी में राजस्थान और आंध्र प्रदेश के बीच सीटों पर हुई है चर्चा, बंगाल की 20 सीटों पर भी मंथन हुआ है। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट, दिग्विजय सिंह को राजगढ़, अजय राय को वाराणसी और इमरान मसूद को मिला सहारनपुर से टिकट। कांग्रेस ने दानिश अली को अमरोहा, झांसी से प्रदीप जैन, बाराबंकी से तनुज पुनिया और देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह को दिया टिकट। चौथी लिस्ट में महाराष्ट्र के 4 उम्मीदवार घोषित। हिमाचल के 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी का थामा दामम, आशीष शर्मा, के एल ठाकुर और होशियार सिंह हुए शामिल। बीजेपी में शामिल होने पर बोले होशियार सिंह, हिमाचल में विकास का काम ठप पड़ चुका है, कांग्रेस सरकार वेंटिलेटर पर है। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले कांग्रेस के बागी विधायक और सुधीर सिंह, कहा कि सुनवाई ना हो वहां से दूर रहना बेहतर है। हिमाचल में ना तो कांग्रेस हाईकमान का कोई प्रभाव है और ना कार्यकर्ताओं का सम्मान बचा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले इंद्र दत्तल लखनपाल। 9 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बोले जयराम ठाकुर, हिमाचल में कांग्रेस बहुमत खो चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, इस बार चुनाव 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, मेरी राजनीतिक विरासत पर बीजेपी कार्यकर्ता का अधिकार है। नितिन गडकरी बोले, मैं अपने बेटों को कहा है कि अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो पहले दीवारों पर पार्टी के पोस्टर चिपकाए जमीनी स्तर पर काम करें। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण से और मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ सकती हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा जेडीयू में शामिल हुए, उनकी पत्नी ने भी सदस्यता ली। रमेश सिंह कुशवाहा के जेडीयू में शामिल होने पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा, कहा कि जेडीयू को कुछ और उम्मीदवारों की जरूरत है तो प्लीज बताएं। एलजेपी के पूर्व नेता राजीव कुमार ठाकुर बिहार बीजेपी में हुए शामिल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रहे मौजूद। बिहार में जदयू छोड़ आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती पूर्णिया से लड़ सकती हैं चुनाव। कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने चुनाव लड़ने के लिए इनकार किया, कहा कि गरीब और वंचितों की सेवा करती रहूंगी। अपना दल कमेरावादी के सपा के खिलाफ उतरने पर अपने सभी उम्मीदवारों को वापस लिया, बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है पल्लवी पटेल। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने की है तंजावुर में रैली, स्टालिन ने लोगों को किया संबोधित, भारी संख्या में रैली में पहुंचे कार्यकर्ता। चेन्नई साउथ से 25 मार्च को नामांकन करेंगे बीजेपी उम्मीदवार तमिलसाई सुंदर राजन, जीत का जताया भरोसा। बीजेपी सांसद रंजन भट्ट ने वडोदरा से तीसरी बार चुनाव लड़ने से इनकार किया, कहा कि कुछ लोग वडोदरा के बारे में गलत बोल रहे थे। रंजन भट्ट ने चुनाव लड़ने से इनकार करने पर कांग्रेस ने साधा निशाना, मनीष दोषी ने कहा कि बीजेपी में बड़े पैमाने पर है असंतोष का भाव। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, बीजेपी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम से 4 रास्ते थे, पहला था चंदा दो धंधा लो। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज किए जाने की बीजेपी ने बताई वजह, समय पर टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने और कैश डोनेशन नियम के उल्लंघन पर हुआ एक्शन। जेडीएस के साथ मिलकर कर्नाटक की सभी 28 लोकसभा सीट जीतेंगे बीजेपी नेता सीएन अश्वथ नारायण का दावा। केरल बीजेपी चीफ के सुरेंद्रन का दावा, प्रदेश में इस बार एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पहुंचे अयोध्या मंदिर में, किए भगवान रामलला के दर्शन, आशीर्वाद लिया।
जीतनराम मांझी बोले कि रामलला में जन जन की है आस्था, रामलला हमारे लिए पारंपरिक आस्था का विषय है। पूर्व सीएम ने कहा कि आपकी बार 400 पार नारा बन गया है। गया से टिकट मिलने पर जीतनराम मांझी ने किया धन्यवाद, बोले कि हम एनडीए में प्रधानमंत्री मोदी के प्यार और प्रतिष्ठा के चलते आए हैं, बिना शर्त गठबंधन में रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सियाचिन जाएंगे, जवानों के साथ मनाएंगे होली। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर, भारत आतंकवाद को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में चीन के दावे को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया हास्यास्पद, कहा कि अरुणाचल भारत का हिस्सा है। टीएमसी नेता मोमा मोइत्रा के ठिकाने पर सीबीआई की रेड, कोलकाता समेत कई ठिकानों पर छापा मारा। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, महुआ के यहां छापेमारी, बदले की राजनीति, महुआ बीजेपी से सवाल पूछती है। महुआ के यहां सीबीआई रेड पर बोले बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजुमदार, एथिक्स कमेटी के सुझाव पर छापेमारी हुई है। झारखंड के पूर्व विधायक गुरचरण नायक पर हमले का मामला, एनआईए नक्सली मीने तीयू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। होली के दिन दोपहर 2:30 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो, डीएमआरसी का ऐलान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को बताया असंवैधानिक, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बोले कोर्ट के फैसले का करेंगे आकलन। जयपुर के बस्सी में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में आग से झुलसकर 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 लोग घायल। आग लगते ही मौके पर मची अफरा तफरी, दमकल की 9 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भीषण आग, आग में 13 दुकानें जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से किसी को नुकसान नहीं, दुकानों में रखे सामान को भारी नुकसान पहुंचा। गुजरात के राजकोट में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 21 तक पहुंची, पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। संगरूर जहरीले शराब कांड में 10 से 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, मुख्य आरोपी अभी पकड़ा गया है, पंजाब पुलिस का बयान। संगरूर शराब कांड पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, सीएम मान दिल्ली की राजनीति में व्यस्त हैं, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संबित पात्रा ने भी सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा, कहा कि उनको पंजाब में रहकर काम करना चाहिए, ना कि भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। एमपी के सागर में निर्माणाधीन घर का छत गिरा, हादसे में एक मजदूर की मौत, 4 घायल। यूपी के गाजियाबाद में दुकानदार को मारी गई गोली, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी, घायल दुकानदार को अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली में पुलिस ने होली को देखते हुए चलाया ड्रंक एंड ड्राइव अभियान, कई जगह बैरिकेडिंग की गई, लोगों की चेकिंग जारी। केरल के तिरुवनंतपुरम में होली का जश्न, हजारों की संख्या में युवाओं ने होली खेली, एक दूसरे को रंग लगाते हुए होली के गानों पर थिरकते हुए नजर आए। अयोध्या में रामलला के इस बार कचनार के फूलों से गुलाल बनाने की काम की जा रही है, एनबीआरआई के वैज्ञानिकों ने हर्बल गुलाल बनाया है। होली के अवसर पर मिनट की गोल्ड गुजिया की बड़ी डिमांड, शादी वाले घरों में और बड़े लोगों के यहाँ मंगाई जा रही है गोल्ड गुजिया, गोल्ड की लीफ की गुजिया पर की गई है कोटिंग। एमपी के छतरपुर में होली की धूम, पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर वाली पिचकारियों की भारी डिमांड, पीएम मोदी के चेहरे वाली मास्क भी बिक रहे हैं। मुरादाबाद में होली के अवसर पर बड़ी पिचकारी की डिमांड, पीतल की पिचकारी के भारी मात्रा में ऑर्डर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में होली मिलन समारोह, सीएम विष्णुदेव साय समारोह में पहुंचे, कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली खेली। अजमेर में होली में लगा चुनावों का तड़का, पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम की पिचकारियां बाजार में। असम के डिब्रूगढ़ में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा हुए शामिल, होली के गीतों में झूमते नजर आए। विश्व अर्थ आवर दिवस पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल लाइटें बंद कर दी गई, 60 मिनट तक बंद रही लाइटें, 1 घंटे बाद जलाई गई लाइट्स। असम के गुवाहाटी में अर्थ आवर दिवस पर लाइट्स की गई बंद, विधानसभा की लाइटें 60 मिनट तक बंद रही। कोलकाता में भी मनाएगा वर्ल्ड अर्थ आवर डे, हवरा ब्रिज की लाइटें 1 घंटे के लिए बुझाई गई। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइटें ऑफ रहीं, विजय चौक इंडिया गेट पर भी लाइटें की गई बंद। हैदराबाद में अर्थ आवर डे मनाया गया, 60 के आकार में जलाई गई 60 मोमबत्तियां। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोला गया, श्रीनगर में है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से होगा, अहमदाबाद में शाम को 7:30 बजे मुकाबला। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से पहले गुजरात टाइटंस ने के कप्तान शुभमन गिल का फैंस से वादा, कहा कि जीत का मोमेंटम रखेंगे जारी। आईपीएल में रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, आखिरी ओवर में 4 रन से दी मात। कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 208 रन, हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 204 बना सकी। हैदराबाद की ओर से क्लासेन ने खेली विस्फोटक पारी, महज 29 गेंदों में बनाए 63 रन, 8 छक्के जड़े। मयंक अग्रवाल ने बनाए 32 रन, अभिषेक शर्मा ने 32 और राहुल त्रिपाठी ने खेली 20 रनों की पारी। कोलकाता की तरफ से हर्षित राणा की शानदार गेंदबाजी, 33 रन देकर झटके 3 विकेट, आंद्रे रसल को दे 2 विकेट। कोलकाता के लिए आंद्रे रसल ने खेली तूफानी पारी, 25 गेंदों में बनाए 64 रन, 3 चौकों के साथ 7 छक्के भी जड़े। आंद्रे रसल को शानदार प्रदर्शन के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। आईपीएल के एक और मुकाबले में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया, 4 विकेट से शिकस्त दी। पंजाब की ओर से शानदार प्रदर्शन करने वाले सैम करन बने प्लेयर ऑफ द मैच, 63 रन की पारी खेली।